हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो इससे पहले का क्लिप आप लोग कल के वीडियो में देख चुके हैं और बस उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो जिया स्कूल से आ चुकी है एग्ज़ाम देके और मूड उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जैसे कि बच्चा जो टफ वाला जो एग्ज़ाम होता है, चाहे कितनी भी मेहनत कर लीजिए, चाहे जो भी, लेकिन कभी बच्चे खुश नहीं होते ना। और मैं तो पहले बता दी थी, तो बस उसका मन थोड़ा सा बहलाने के लिए ना मैं यहाँ पे मिर्चा वो कर रही थी, तो वो भी आके बैठ गई है मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल है। दो लोग रहते हैं ना तो अच्छा रहता है, और इसका मन भी लग रहा था और सही बताया तो हमसे ज़्यादा अच्छा ये कर रही थी। तो अभी टाइम हो रहा है 4:05 और जिया चली गई है ट्यूशन। और आज हमारे यहाँ ना 2-2.5 घंटा से ज़्यादा ही हो गया है लाइट नहीं है। आज बिना लाइट के ना अंधेरे में ना पूरा काम करने का एकदम चैलेंज जैसे ले लिए। तो किचन का सारा काम हो चुका है, बर्तन वर्तन भी ना सब कुछ अंधेरे में ही धो लिए। अब कितना साफ हुआ ये नहीं पता, लेकिन हाँ सब काम मेरा कंप्लीट हो गया है। और सोचिए कि पहले हमारे यहाँ ना 5 मिनट भी लाइट कभी नहीं जाती थी, पता नहीं क्या हो गया, और इधर भी बहुत लाइट जा रही है। सोचे थे कि वीडियो एडिट करके अपलोड कर देंगे, लेकिन लाइट ही नहीं है तो अपलोड कहाँ से होगा, तो एडिट कहाँ से होगा। और मिर्चा भी बाहर सूख चुका है, तो चलते हैं मिर्चा को उठा के और रख देते हैं। तो अभी दोपहर शाम क्या कह लीजिए तो 4:05 हो रहा है, जिया चली गई है ट्यूशन। और आज हमारे यहाँ ना 2-2.5 घंटा से ज़्यादा ही हो गया है और लाइट नहीं है। आज बिना लाइट के ना हम लोग भर दोपहर बैठे हुए हैं। और मिर्च ना अभी अभी 15-20 मिनट पहले वहाँ पे जो मिर्च अचार के डाले ना उसको जाके अलट पलट किए थे, और उसको एक दो ऐसा था ना कि जिसका हम लोग बीज भी नहीं निकाले थे, ऐसे रख दिए थे। और आँख पे मल लिए ना तो पूरा आँख एकदम वो जल रहा है, जबकि अभी जस्ट अभी बर्तन धो के आए हैं और किचन का सारा काम वम कर लिए कि जो भी हाथ की जो मिर्च होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ना फिर भी एकदम लह रहा है। तो अंधेरे में ही देखिए बर्तन वर्तन सब कुछ साफ कर चुके हैं और किचन भी साफ कर चुके हैं। आज चैलेंज लिए हैं कि अंधेरे में ना सारा काम कर लेंगे। और ये हम लोग के यहाँ जबकि पहले ना 5 मिनट के लिए भी लाइट ना कभी नहीं जाता था, लेकिन इधर भी पता नहीं क्या हो गया कि बस लाइट जा ही रही है जा ही रही है। सोचे थे कि वीडियो एडिट करके अपलोड पे लगा देंगे, लेकिन ना अब नहीं हो पाएगा, लग रहा देर से ही होगा। अब लाइट कब आएगी ये नहीं पता। और मिर्च सूख चुका है, पहले गए थे देखने के लिए तो ठीक से ना सूखा नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ धूप तो उतनी अच्छी आती है नहीं, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि ठीक हो गया। लेकिन ना इसको अभी नहीं भरेंगे, कल भरेंगे, क्योंकि अब शाम को क्या करेंगे, कल सुबह मसाला बनाएंगे और आप लोग साथ शेयर करेंगे क्या मसाला डाल रहे हैं। तो चलिए मिर्च उठा लेते हैं। तो चलिए फिर देखिए, तो मिर्च ना अच्छे से एकदम सूख चुका है, और जैसे जैसे धूप इधर उधर जाता है ना तो वैसे वैसे जो भी आप चीज़ सुखा रहे या कुछ भी है तो वो भी अपने आप मूव होता रहता है। तो चादर ना पहले यहाँ थी, अब वहाँ पे पहुँच गई धूप दिखाने के चक्कर में, तो मिर्च ना सूख चुका है ये है। चाहे थोड़ा सा मेहनत लगता है, देखना रहता है। तो यहाँ पर देखिए तो मिर्च रखना स्टार्ट कर चुके हैं, और मेरा दिमाग देखिए तो प्लेट छोटा है लेकिन मिर्च ज़्यादा है और उसमें अट नहीं रहा था। लेकिन ना मैं जानबूझ के उसी में अटा रही थी, क्योंकि मुझे ना जाने का मन नहीं था कि अब उठो फिर जाओ फिर प्लेट लेकर आओ, तो कितने इंसान आलसी हो गया ना। जितना अभी के टाइम में जैसे कि सारा आविष्कार हो गया, वॉशिंग मशीन सब चीज़, कितनी सुविधा की चीज़ें हो गई है, उतने ही ना इंसान आलसी हो गया। पहले तो आलसी नहीं था, लेकिन हाँ ठीक आदमी नहीं औरत तो यहाँ देखिए तो मिर्च एकदम भर चुका है, और फिर उसके बाद थक हार के फिर मैं गई फिर डलिया लेकर आए। तो डलिया में ये रख देते हैं, इससे क्या होगा ना हवा भी लगेगी और सही भी रहेगा, फिर स्पेस भी है ना, तो फिर वैसे ही कल लेके और फिर आएंगे तो फिर इसी में भर लेंगे, ठीक है। तो चादर को झाड़ दिए हैं, तो चादर में काफ़ी ज़्यादा बीज वूज सब कुछ गिरा हुआ था, तो उसको अभी झाड़ू लगा के साइड में कर देते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा ना अभी कोई आया गया कुछ भी तो बीज से ना फिर मिर्च लग जाएगी। अभी जान जैसे मेरी आंख में लगी ना वैसे ही इधर भी लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ चाय बनाने के लिए। लाइट ना अभी तक आई है कि नहीं आई है वो आप लोग को अभी पता चलेगा, तो अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी। मुझे तो पता है, लेकिन हाँ मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँ, क्योंकि आज मेरा मन नहीं है आप लोग के साथ शेयर करने का। तो यहाँ पर मेरी ना चाय बन रही है, तो मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, या तो ऐसा है कि दिमाग इतना पका हुआ है ना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ आप लोग को दिख रहा है
कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है यानी कि लाइट आ चुकी है। ये देखिए अभी हम इसमें से दूध भी निकाले और अदरक भी निकाले, सब कुछ निकाले, लेकिन लाइट जल रही थी। लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा ख्याल नहीं आ रहा था कि लाइट आ चुकी है। उसके बाद ना पता नहीं क्या, फिर उनको ध्यान आया तो हम देखे तो हम कह रहे लाइट तो आ ही चुकी है, तो इतना दिमाग ना पक चुका है। अंधेरे में ही देखिए चाय बना रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी 5-10 मिनट हुआ है कि लाइट आ चुकी है, तो लाइट जला लेते हैं और चाय बना लेते हैं। चाय पीने का मन कर रहा था, नींद तो पूरी हुई नहीं ना, आजिया का SST का एग्जाम था तो नींद नहीं पूरी हुई, जिसकी वजह से मेरी आंखें देख लीजिए तो थकावट थकावट सा लग रहा है। तो चाय पीने का ना बहुत ज्यादा मन कर रहा था। लगभग यहाँ पे चाय भी ना मेरी रेडी हो गई है, क्योंकि इनको आने में टाइम लगेगा, पहले ऑफिस से घर जाएंगे, फिर घर जाके सब देखेंगे, ताला वाला बंद करेंगे तो 6-6:15 बजे तक आएंगे, तब तक तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, इसीलिए हम सोचे कि चाय हम पी लेते हैं। और जब ये जा रहे थे ऑफिस तो सिर्फ यही चाय पिए थे, हम चाय नहीं पिए थे, तो मेरी चाय रेडी हो चुकी है, तो चाय पी लेते हैं और चलते हैं वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, और अभी सुबह का हो रहा है, 9 के लगभग हो रहा था, और आज जिया स्कूल नहीं गई है क्योंकि आज इसका छुट्टी है और कल इसका एग्जाम था, का एग्जाम है, यानी कि कल इसका इंग्लिश का एग्जाम है, तो आज छुट्टी मिला है, ये चले गए हैं ऑफिस। और कल जो लाल मिर्च उठा के अंदर रखे थे, आज इसको फिर से धूप में दिखा दिए, क्योंकि आज इसका मसाला बना के इसको भरना है, तो थोड़ा देर धूप में दिखाने के बाद मसाला वसाला बन चुका है, और रेसिपी आप लोग को मेरे सेकेंड वाले चैनल पर मिलेगी, अभी मैं शेयर नहीं करी हूँ, हाँ इसको शेयर कर देंगे, तो जो इंटरेस्टेड होंगे वो वहाँ से जाके देख सकते हैं, मैं इसमें शेयर नहीं करी क्योंकि बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं ना, तो इसीलिए ठीक है। तो ये देखिए, तो मिर्च पूरे में भर गया, मसाला ना कम पड़ गया है, और इतना जो है वो मिर्च बच गया, बाकी सब में भर चुके हैं। और भरने के बाद ना इसको ऐसे करके थोड़ा देर मतलब कि 3-4 घंटा इसको ऐसे ही धूप दिखाएंगे, और उसके बाद फिर इसको डब्बे में भरेंगे। तो ये देखिए मैं आप लोग को दिखा रही थी, फर्स्ट टाइम मिर्च का अचार बनाए हैं, तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था। अभी शाम का हो रहा है 4:30 एकदम करेक्ट, और 4 बजे जिया गई है ट्यूशन, और आज ना अभी पहले हम बता दे फिर उसके बाद बताते तो आज मेरे सर में ना एकदम भयंकर वाला दर्द है, क्योंकि मिर्ची का अचार धूप में बैठ के बना रहे थे ना, तो उसके बाद मेरे सर में इतना तेज दर्द होने लगा, और खाना वाना बनाए, खाना खाए और चुपचाप जाके हम 1 घंटा सो गए थे, बस सो के उठे हैं जब जिया ट्यूशन जा रही थी तब हमको जगाई है, और बेड भी नहीं ठीक किए, सबसे पहले गए बर्तन वर्तन सब धोए, किचन एकदम चमचमा दिए, आप लोग को दिखा देते हैं तो सब काम करके, और उसके बाद हम नहाने के लिए चले गए थे, क्योंकि मुझे पता है कि बिना नहाए और चाय पिए ना अब जाके कहीं सर दर्द ठीक नहीं होने वाला था। तो ये देखिए इधर ना सब काम करके और उसके बाद नहा के अभी निकले हैं और चलेंगे, देखेंगे मिर्ची का अचार का क्या हाल है आज और पहली बार लाइफ में मिर्ची का अचार बनाए और क्या हाल है अभी दिखाते। मैं ना मिर्ची का अचार यहाँ पे रख के गई थी, और धूप जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है ना, तो जिया रख दी थी यहाँ पे, जिया उठा के और मिर्ची का अचार रख दी थी। अब धूप चला गया है तो अब इसको ना बंद करके और रख देते हैं, अब कल इसको एक बार और धूप दिखा देंगे, डब्बा एकदम बढ़िया वाला गर्म हो गया डब्बा। मेरे पास ना कांच का नहीं था इसीलिए प्लास्टिक में डालना पड़ा, कांच वाला अच्छा होता है वैसे। इसको एक बार मिक्स कर देते हैं, तेल मिल जाएगा ना, अभी तो ये आधा हो जाएगा, अभी जैसे जैसे ये होगा ना तो ये आधा हो जाएगा। चलिए रखते हैं। तो मिर्ची का अचार ना यहाँ पे रख दिया, और कल फिर मिर्चा का अचार धूप में डालना पड़ेगा ना, तो यहीं से डाल देंगे, अब क्या बार बार अंदर लेके जाना हो ये करना। और ये जो बचा है ना, अब कल मसाला और थोड़ा सा मंगाएंगे और इसको फिर बनाएंगे, और ये वाला जो है ना जितना भी मिर्चा जो सड़ा हुआ था जो खराब था, तो ये वो वाला है, तो अब क्या करेंगे इसको नए तरीके से, यानी कट कट करके ना, और फिर बनाएंगे, जैसा भी बनाएंगे वो कल आप लोग साथ
शेयर करेंगे कि अगर बाय द वे ऐसा हो जाए, मिर्चा ध्यान दे कि अगर आंख खोल के ना लिया जाए तो क्या करें। ये देखिए कैसे ना, ये देखिए ऐसे ऐसे ये पूरा, ये देखिए सबकी हालत ऐसी। तो चलिए इसको रख देते हैं, धूप एकदम अच्छी तरह से एकदम से दिख, ये लग चुका है, धूप बहुत अच्छे से लग गया है। तो बस अब कल मसाला मंगाना पड़ेगा क्योंकि मसाला है नहीं, जितना मसाला था सब हम डाल चुके थे। तो मसाला मंगा के और अब इसमें भर देंगे। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो अपने लिए ना कॉफ़ी बनाएंगे क्योंकि हल्का हल्का सा सर अभी दर्द हो ही रहा है और नहा के आए हैं, तो सोच रहे हैं कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर वीडियो की एडिटिंग करना है, वीडियो की एडिटिंग नहीं हुई है। मिलते हैं आप लोग से कॉफ़ी बना के। तो मेरी कॉफ़ी बन चुकी है और कॉफ़ी बनाते बनाते ही बेड रोड इधर का सब कुछ ठीक कर लिए, क्योंकि कॉफ़ी चढ़ा के ना उसके बाद इधर बेड रोड ना, तो इसे क्या हुआ कि दो काम एक साथ हो गया, दो काम एक पंत दो काज नहीं, दो पंत एक काज नहीं, एक पंत दो काज, यानी एक ही टाइम में ना दो काम कर लिए। ये है तो बस इधर की लाइट ना बंद कर देते हैं और ये छोटी वाली जला देते हैं और जिया के लिए ना दरवाजा खोल देते हैं क्योंकि उसके आने का टाइम अब होने वाला है। जैसे ही वीडियो की ना एडिटिंग करने के लिए बैठेंगे तब ये बेल बजा देगी, तो खुला रहेगा तो वो डायरेक्ट चली आएगी। तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद फिर वीडियो की एडिटिंग करेंगे और फिर आप लोग से मिलेंगे।